तो यहाँ देखिए, अब 4 बजे तक का इंतज़ार सबसे महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एनसीपी ने कहा है कि हम कोई भी फैसला कांग्रेस के रुख के बाद ही लेंगे। तो शिवसेना के विधायक जो है अब वो उत्साहित होने लगे हैं और उन्हें लगने लगा है कि हमारी सरकार बन रही है। देखिए, रोल हम इस वक्त मौजूद है होटल रिट्रीट में, जहाँ पर शिवसेना के एमएलए अभी लॉबी कर रहे हैं। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं एमएलए के, शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक। सरनाईक सर, ये बताइए कि आप लोग आज लॉबी में जमा हैं, किस वजह से आप लोग को बुलाया गया था? भाई, हम लोग तो पिछले 4 दिन से लॉबी में ही रहते हैं, दिन भर यहाँ पे हमारा जो फार्मर्स का जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे रूरल एरिया के जो एमएलए है वो अपने गांव खेड़े में बात करते हैं कि क्या परिस्थिति है, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हो गया कि नवंबर महीने में दिवाली में भी बारिश गिरी और जो किसानों की फसल थी वो फसल बह गई है। उसके लिए किसानों की अभी हमारी ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत है। सरकार जैसे ही जल्दी से जल्दी बनती है वो किसानों को पूरा का पूरा कर्जा माफ़ करने की शिवसेना की और हमारे उद्धव जी की भूमिका है, वो भूमिका के ऊपर अमल जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसलिए हम लोग चिंतित हैं और हमें आशा है कि निश्चित रूप से जैसे उद्धव जी ने इस महाराष्ट्र की जनता को कहा है कि हमारा मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, क्योंकि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी की वो अंतिम इच्छा थी, वो हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी 2 दिन में कुछ ना कुछ इसका फैसला हो जाएगा।